तो बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि दिल्ली में चिराग पासवान ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई और पार्टी में नेताओं को शपथ दिलाई है। जितने भी पार्टी के नेता हैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने वाले हैं थोड़ी देर में। चिराग पासवान, एक तरफ प्रदर्शन हो रहा है और एक तरफ अंदर की तस्वीरें जहां चिराग पासवान अपने समर्थकों के साथ जुटे, यानी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी नेताओं को उन्होंने शपथ दिलाई। वहीं पशुपति पारस ने नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया। एक तरफ चिराग पासवान के समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं, ये तस्वीरें आप देखिए, बिहार में चिराग पासवान के समर्थक और उनके आवास के बाहर नारेबाजी हो रही है। पशुपति पारस के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, चिराग पासवान के समर्थन में नारे लगाए जा रहे हैं और एक तरफ दिल्ली में डेरा डाले चाचा भतीजे एक दूसरे पर वार पलटवार का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। चिराग पासवान जहां राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर सबसे पहले शुरुआत उन्होंने शपथ दिला के की, जिसमें रामविलास पासवान के जिंदाबाद के नारे लगने लगे और पार्टी का दायित्व, पार्टी की गरिमा को ध्यान में रखते हुए पार्टी का साथ ना छोड़ने की शपथ चिराग पासवान ने पार्टी के नेताओं को दिलाई। तो वहीं दूसरी ओर पशुपति पारस ने नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया है, साथ ही ये आरोप लगाते हुए कि ये किसने कहा, ये पार्टी के कौन से संविधान में लिखा है कि आजीवन एक ही पार्टी का अध्यक्ष रहेगा, पार्टी का अध्यक्ष वो होगा जो उसे डिजर्व करता है, यानी जो उसके काबिल है। लेकिन पीठ में छुरा भोंकने का आरोप चिराग पासवान ने अपने चाचा पर लगाया। वो ये कहते रहे कि कैसे परिवार के नाम पर पीठ में छुरा भोंका गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मोहर लगी है इस बात पर, चिराग गुट के नेताओं ने समर्थन भी कर दिया है। आपको ये भी बता दें कि चिराग पासवान के एलजीपी के अध्यक्ष के तौर पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने मोहर लगा दी है। और एक तरफ हालांकि नई कार्यकारिणी का ऐलान पशुपति पारस कर चुके हैं, लेकिन ये जो बैठक है ये चिराग पासवान के लिए इसलिए महत्वपूर्ण थी, अपना शक्ति प्रदर्शन इसके जरिए उन्होंने किया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में बुलाई गई, उसके बाद शपथ दिलाई गई और फिर अब एलजेपी का अध्यक्ष भी उन्हें चुन लिया गया है। रवि त्रिपाठी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, शक्ति प्रदर्शन में कोई कमी नहीं छोड़ रहा, फिर चाहे पशुपति पारस हो या फिर चिराग पासवान, शपथ के साथ अध्यक्ष चुन लिया गया उन्हें। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि दावा कैसे चिराग पासवान छोड़ेंगे, क्योंकि 50 साल से उनके पिताजी की ये पार्टी थी, उनके फादर ने 50 साल राजनीति की और लगातार 20 साल से ये पार्टी, कहा जाए तो जो जिस पार्टी का गठन किया गया लोजपा का, उसके अध्यक्ष रहे हो, उसके बाद उन्होंने चिराग को अध्यक्ष बनाया, संसदीय दल का अध्यक्ष बनाया, सब पूरे परिवार को लेकर चले। लेकिन जिस तरह से पार्टी में टूट हुई और चाचा जिस तरह से पूरी पार्टी में पूरे सांसदों को लेकर चले गए चिराग को छोड़कर और उन्होंने दावा ठोका है, तो वैसी स्थिति में अगर चिराग सरेंडर करते हैं या लड़ाई लड़ते हैं, दो ही ऑप्शन उनके पास था। तो अब चिराग ने
सरेंडर करने के बजाय लड़ाई लड़ने का ऑप्शन लिया, और लड़ाई लड़ने में यह है कि चाचा के जो व्यवहार है, जो कार्यकलाप है, उसकी निंदा की गई। जब एक प्रस्ताव पास किया गया इस बैठक में, जो बैठक हुई है अभी, उसमें कहा गया है कि चिराग पासवान जो है उनमें जो है जो कार्य समिति है, जो कार्यकारिणी है, जिनको उन्होंने बुलाया है चिराग पासवान के गुट ने, वो उनमें विश्वास व्यक्त करते उन्हीं को अध्यक्ष मानती है, ये पहला प्रस्ताव है। साथ साथ ये कहा गया कि जिस तरह से पारस साहब जो है सारे गतिविधि कर रहे हैं, उनकी निंदा की गई है, उनकी आलोचना की गई है। और तीसरा प्रस्ताव ये है कि रामविलास पासवान जो जिनका देहांत हो चुका है, केंद्र मंत्री रहे, दलित नेता के तौर पर उनको जाना जाता है, तो उनको प्रधानमंत्री से अपील की गई है कि उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। और इसके अलावा कोविड काल में जो थर्ड वेव आने वाला है, साथ बिहार में जो बाढ़ की स्थिति है, वैसी स्थिति में कार्यकर्ताओं से अपील की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लगकर लोगों की मदद करें। तो कुल मिलाजुला के ये लड़ाई अब लंबी चलने वाली है। और जो खबर आ रही है कि 5 जुलाई को चूंकि रामविलास पासवान का जन्मदिन है, उसी दिन से रामविलास चिराग पासवान बिहार जाएंगे और वहाँ से संघर्ष यात्रा कहिए चाहे जो भी यात्रा नाम दिया जाएगा, एक यात्रा शुरू होगी जिसमें वो लोगों के पास जाकर, लोगों के बीच जाकर अपनी बात रखेंगे कि किस तरह से उनके साथ धोखा किया गया, उनके चाचा ने धोखा किया और कौन कौन अभी, चूंकि उनका अभी तक उन्होंने JDU पर अटैक किया है, BJP पर अभी तक अटैक नहीं किया है। और ये भी अभी देखने वाली बात होगी क्या कैबिनेट रिशफल की बात जो आ रही है उसमें क्या उनके चाचा को शामिल किया जाता है, नहीं किया जाता है, और वैसी स्थिति में जब शामिल किया जाता है तो क्या चिराग BJP के खिलाफ भी अटैक करेंगे जो चुनाव में उन्होंने नहीं किया था। तो तमाम सारी बातें हैं, लेकिन यह तय है कि चिराग अब लड़ाई लड़ेंगे और अपने हक की लड़ाई, उनको लगता है कि पार्टी उनकी है, उनके पिताजी ने बनाई है, तो उसको छोड़ना नहीं है, उस पर दावा उनका बना रहेगा। वो अपना आधिपत्य जमा रहे हैं, लेकिन चाचा ये कहते हैं कि रिश्ता तो मेरा भी है, पार्टी को मैंने भी अपना जीवन समर्पित किया है। लेकिन इससे पहले हमने देखा था बॉडी लैंग्वेज भी बदल गई है रवि, पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें थोड़े भावुक थे, निराश भी थे, बीमार भी थे, लेकिन इस वक्त वो फॉर्म में आ गए हैं, इसलिए वो दिल्ली में पहुंचे हैं। रवि आपके जरिए और जानकारी हम लेते रहेंगे, धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी। प्रेजेंटिंग ZEE News app available on Google Play and App Store. Download it now.